सलो सर, कैसे हो आप सब लोग? सही, ये जो कि देख रहे हैं भाई, ये है ऑल न्यू यामा एफजी V4। सो एफजीएस V4 जो है शोरूम्स में आनी स्टार्ट हो चुकी है और फिलहाल जो है ये दिल्ली में आ चुके हैं, द्वारका शोरूम में। एंड जो डिटेल से शोरूम के नीचे मिल जाएगी आपको, बाकी फिलहाल जो इसके डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू करते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ इसमें बदला गया है और पहले से ये कितनी जो है बेहतर हो चुकी है, क्या कुछ प्राइस बढ़ी है, सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की से। तो यहाँ पे जो है ना बेसिक सी आपको की मिल जाती है, वेव की वगैरह नहीं दी जाती है। ऑन करते ही जो है ना सबसे पहले जो हाईलाइट चीज होती है ना वो है इसकी हेडलैम्प। तो यहाँ पे जो हेडलैम्प है ना ये आपको सबसे पहले लाइक इसमें एक नई चीज देखने मिलेगी, जो DRLs है ना ये इसमें नई दे दी है साइड में, दोनों तरफ जो है DRL मिलेगी, बीच में हाई बीम लो बीम आपको मिल जाती है। तो ये जो हेडलैम्प लाइक पहले भी आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिलती थी, अभी भी रिफ्लेक्टर है। जो इंटरनेशनल मॉडल है उसमें जो है यहाँ पे प्रोजेक्टर दे दिया है और कुछ ऊपर की तरह जो है DRL वगैरह, तो वो सारा सिस्टम है वो भी अच्छा लगता था। बट भाई ये भी जेन्युइनली जो है अच्छा खासा लग रहा है, बट कुछ लोगों को पसंद आएगा कुछ नहीं आएगा, तो वो जो है सबकी लाइक अलग अलग पसंद हो सकती है। उसके बाद में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अपने को मिलेंगे एंड उससे पहले ये LED इंडिकेटर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑन कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे जो है ना ये इंडिकेटर आपको LED में मिल जाएंगे। उसके बाद काफ़ी मोटे साइज़ के जो है ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। साइड में यामा की स्टिकरिंग है, 100 सेक्शन का फ्रंट में टायर है, प्लास्टिक में मडगार्ड इसमें मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS है, फ्रंट में रिंग आपको मिल जाएगी ABS की, डिस्क का साइज काफ़ी अच्छा रखा गया है, गोल्डन कलर में व्हील है, MRF का जो है टायर आपको मिलेगा 100 सेक्शन का। उसके बाद में बाइब्री कंपनी जो है ना इसमें आपको ब्रेक कैलिपर्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बाइब्री कंपनी के जो है यहाँ पे भी ब्रेक कैलिपर्स यूज़ किए हैं, कोई भी कॉस्ट कटिंग जो है हमारे नहीं किया है यहाँ पे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता अपना मेन इंजन एंड यहाँ पे जो है ना एयर कूल्ड इंजन मिलता है, कहीं पे भी रेडिएटर वगैरह या फिर जो है लिक्विड कूलिंग का कोई भी सिस्टम नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिलता है अपने को एयर कूल्ड इंजन जो कि 150 cc के लिए लाइक इनफ है, कोई दिक्कत नहीं इनमें, जो है कोई भी दिक्कत नहीं आती है। 150-200 cc तक यदि ऑयल कूल भी आपको मिल जाए तो कोई भी प्रॉब्लम एज सच नहीं आती है। उसके बाद जो ये फ्रंट में जो है आपको इंजन कवर दिख रहा होगा ये भी प्लास्टिक में जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। 150 cc का इंजन है, 12.4 PS की पावर मिल जाती है, 13.3 Nm का टॉर्क है, कहने का मतलब जो पिकअप है उसमें कहीं भी कमी नहीं लगेगी। हाँ, टॉप एंड वगैरह जो है हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डाउन देखने को मिले बिकॉज पावर जो थोड़ी सी कम है। उसके बाद में 5 इसमें जो है टोटल आपको गियर मिलते हैं, तो इंजन जो है काफ़ी रिफाइन है, यामा के जितने भी इंजन है काफ़ी रिफाइन है, कोई भी कंप्लेंट आपको नहीं देखने मिलेगी। उसके बाद ये अपना 13 लीटर का टैंक है, ब्लैक कलर जो है आपके सामने आए, तो यहाँ पे क्या है गोल्डन की जो है ना फिनिशिंग इन्होंने दी है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे V4 जो है लिखा हुआ है, ऊपर जो है FZS एंड यहाँ पे गोल्डन एंड जो है थोड़ा सा रेड रेड टाइप जो है कलर दिया गया है। साइड में जो ये जो साइड पैनल्स इन पे कोई भी कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, प्लेन रखा गया है इनको। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट फुटरेस्ट है, रियर ब्रेकिंग है, ये रियर फुटरेस्ट आपको मिल जाएंगे, सिंगल सीट यहाँ पे आपको मिल जाती है, यहाँ पे जो है ना मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिल जाएगा अंदर की साइड में, पीछे की साइड ये अपना एग्जॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। पीछे जो है ना ये आपको ब्रेक लाइक जो है डिस्क मिल जाता है, बट अंदर जो है रिंग दिख रही होगी, आप सोच रहे होगी ये ABS है, बट ये ABS नहीं है, ये जो है ना यूज़ की जाती है यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, क्योंकि इस बाइक में मिलता है अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल। 140 सेक्शन का पीछे टायर है, ये टायर हगर यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे भी जो है गोल्डन व्हील आपको मिलता है, यहाँ पे ब्रेक ऑयल वगैरह है, ये ग्रैब रेल वगैरह आपको मिल जाती है सिंगल, काफ़ी सॉलिड क्वालिटी की है। सीट जो है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी, जिसके लिए बिकती है, डेली कम्यूट के लिए जो है काफ़ी बेहतर बाइक है। यहाँ पे जो है LED टेल लाइट है, LED इंडिकेटर है, साइड रिफ्लेक्टर है, यहाँ नंबर प्लेट लग जाएगी, नंबर प्लेट के लिए हैलोजन लाइट है, ये अपना पूरा इसका जो है टायर हगर है। और साइड में जैसे आएंगे ना तो यहाँ पे अपने मिलता है साड़ी गार्ड, ठीक है, तो साड़ी गार्ड मैंडेटरी है, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा, कोई भी एल्यूमिनियम सिंगम वगैरह नहीं है, नॉर्मल रखा गया है। सेंटर स्टैंड है, साइड स्टैंड दोनों ही आपको मिलेंगे, 5 गियर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर के साथ में जो बाइक आती है, ये जो फ्यूल टैंक है ना आप देख सकते हो ब्लैक कलर में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद में नया मीटर आ गया है MT15 वाला, इसमें जो ना काफ़ी डिटेल्स मिल जाती है, बट एक डिटेल है जो कि सिर्फ MT और जो है आपको R15 में मिलती थी, इसमें जो है नहीं मिलेगी, वो है गियर इंडिकेटर। गियर इंडिकेटर इसमें नहीं मिलता, दिखाऊंगा डिटेल में, उससे पहले बटन्स के बारे में जान लेते हैं। ये हाई बीम लो बीम है, नीचे जो है पासिंग लाइट है, ये इंडिकेटर है, सिंगल हॉर्न है, ये जो है इग्निशन का बटन है, एंड अभी स्टार्ट करके साउंड सुना देता हूँ।
सो कुछ इस तरीके की जो है साउंड आपको मिलती है, ऑलमोस्ट सिमिलर पहले की तरह ही। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर टाइमिंग मीटर आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे गारंटी मीटर आता था वो नहीं है। आई डोंट नो वो क्यों नहीं दिया, जब मीटर चेंज कर दिया तो देना चाहिए था, बट कंपनी ने नहीं दिया है। पता नहीं कौन सी कॉस्ट कटिंग जो है उन्होंने बचा ली इससे। ये आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर है, यहाँ ओडोमीटर आ जाएगा, ये फ्यूल मीटर है। दो बटन है, सेलेक्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ भी कर सकते हो इस बटन को होल्ड करके, ये होल्ड करके जो ऑफ हो गया है। उसके बाद जो ओडोमीटर आ गया है, ये ट्रिप वन, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ये जो है माइलेज यहाँ पे शो कर देगा, एवरेज माइलेज, एवरेज स्पीड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर देता है। साइड में फ्यूल मीटर वगैरह, ये सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह यहाँ पे, न्यूट्रल, टीसीएस, इंजन माल फंक्शन लाइट, इंडिकेटर, हाई बीम, एबीएस, ये सारी लाइट्स आपको मिल जाएगी। ऊपर जो आपको हाई आरपीएम लाइट मिल जाती है, जब ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा आता है हाई बड़ी, जिसको कि आप रीनेम कर सकते हो। इसमें जो है ना आपको ये साइड में मोबाइल वगैरह के लोगो दिख रहे होंगे, तो इससे क्या है ना कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कनेक्टेड जो फीचर है वो आपको इस एफजी में भी मिलेगा। मिरर्स की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे पहले होती थी, क्योंकि सेम वही मिरर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। अभी जो मेन बात आती है ना वो आती है भाई प्राइस वगैरह क्या है इसकी, तो प्राइस के बारे में बात करते हैं एंड देन अपन लास्ट में बताते हैं कि ये बाइक मेरे को कैसी लगी एंड आप लोगों को ये लेनी चाहिए फिर नहीं लेनी चाहिए, तो वो चीज़ जो है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो सबसे पहले जिसकी ऑन रोड प्राइस है गाइस वो है ऑलमोस्ट 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब जो इसकी ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव में, सॉरी द्वारका में, दिल्ली में, ठीक है। जो शोरूम से आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो नंबर दे देता हूँ, आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनको, और ये जो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे बाइक के बारे में, तो आप जो है इनको कॉल करो। शोरूम का नंबर जो है मैंने दे दिया स्क्रीन पे। बाकी गाइस अभी जो है मेरा ओपिनियन यही है कि यार जो अपडेटेड चीज़ है, काफ़ी कुछ नया आ गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया है, नया मीटर आ गया है, पहले इतनी सी डिस्प्ले आती थी अब इतनी बड़ी डिस्प्ले कर दी है, और नई हेडलाइट दे दी है, एलईडी इंडिकेटर दे दिए, तो आई थिंक आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। माइलेज इस बाइक की काफ़ी अच्छी है, लगभग 50-55 तक ये दे देती है, चलाने पे डिपेंड है, आप अच्छे से चलाओगे तो ये बहुत अच्छी माइलेज दे देती है। तो चलिए यार ये थे कुछ आज की वीडियो में, कोई भी डाउट्स हो तो करो कमेंट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।